इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सबको अभय दे रहे, जिसके पास अभय होगा, अभो पथिवा तुभम अभय दया भवाई, अभय देना मतलब सुरक्षा देना है। और कोई भी व्यक्ति कहीं पर आक्रमण करता है तो कब करता है, जब उसके अंदर भय होता है, और भय नहीं हो तो आक्रमण नहीं होगा। यदि अंदर में सुरक्षा की फीलिंग हो जाए, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं आपको पता है, और उसमें बहुत बार देखता हूं कि मैक्सिमम समस्याएं जो है, चाहे गर्भ संस्कार की हो, चाहे कपल की हो, चाहे पेरेंटिंग की हो, उनमें सबसे बड़ा रोल किसी का है तो इनसिक्योरिटी फीलिंग, असुरक्षा की अनुभूति। और वो असुरक्षा की अनुभूति इतनी डरा करके रखती है व्यक्ति को, तो सही निर्णय कर ही नहीं पाता है। सुरक्षा की प्रज्ञा के बिना कोई चंडकोशी के पास जाकर खड़े रहने का सपने में भी सोच सकता है क्या? अरे, सुरक्षा की प्रज्ञा है तो चंडकोशी का भी डर नहीं लगता है। नहीं तो आपको पता है, आप जोधपुर में घूमो के पुणे में घूमो के बंबई में घूमो, गेट को ताला, मकान को ताला, उसके अंदर और एक ताला, उसके अंदर और फिर वो जाली का ताला है, इतने ताले क्यों लगते? ये किसके प्रमाण है कि अंदर में सुरक्षा है? इसलिए ये असुरक्षा की अनुभूति बहुत लंबी चलती है। इस सास बहु के झगड़े में सबसे मूल कारण जो ही असुरक्षा है। मां को लगता है कि इसने आकर के मेरे बेटे को कही है कब्जा नहीं कर ले, और असुरक्षा एक बार मन में आ गई कि मामला सारा उल्टा हो गया। आपके मन में, मेरे मन में वो सारा खेल चलते रहता है, लेकिन परमात्मा की प्रज्ञा भूई प्रज्ञा, सुरक्षा की प्रज्ञा, और तीसरा शब्द दिया कल्याण की प्रज्ञा। कल्याण, उनके किसी भी कार्य के पीछे एक ही हेतु रहेगा, उसमें से कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही कसौटी है। मेरी एक्शन का, मेरी इमोशन का, मेरे ज्ञान का, मेरी साधना का परिणाम सामने कल्याण के रूप में आता है कि अकल्याण के रूप में आता है। इसलिए वो कुछ भी करते हैं, आप देखिए परमात्मा कुछ भी करते हैं तो उसमें से कल्याण का ही सृजन होता है, कहीं अकल्याण हुआ ही नहीं, कुछ भी किया उन्होंने, वहां कल्याण की कोई संभावना ही नहीं कि प्रज्ञा ही कल्याण की। मैं जिक्र करते रहता हूं इस प्रसंग में, दीक्षा लेने के बाद परमात्मा का पहला चतुर्मास द्विजंत के आश्रम में शुरू हुआ। द्विजंत का जो आश्रम का कुलपति था वो राजा सिद्धार्थ का मित्र था, और उसके मन में कहीं ना कहीं भावना थी कि वर्धमान मेरे पास, मेरे आश्रम में आकर के साधना करेगा, लेकिन वर्धमान किसी के अंडर में साधना करने का कोई, एक बार ऐसे ही विहार करते करते जब द्विजंत के आश्रम के पास पहुंचे तो द्विजंत को लगा चलो दीक्षा के बाद मेरे पास आया, आश्रम में आया, गए और गया वो तो कोई ठहरने के लिए आए नहीं थे, जाने लगे तो द्विजंत को लगा ऐसे कैसे होगा। द्विजंत ने विनंती करी कि ठीक है तुम अभी भले घूम लो, लेकिन चतुर्मास के बारिश वर्षा के दिनों में तुम यहां आकर के रुक जाओ।
अपरमत बन गए, ठीक है कहीं ना कहीं रुकना ही है, तो चतुर्मास के लिए वहां आने की स्वीकृति दे दी और आए वहां पर। अद्विजंता ने पूरी तैयारियां करी, ऐसी तैयारी करी, ऐसी तैयारी करी, पूरे आश्रम में बढ़िया से पर्ण कुटी बनाई, सारी व्यवस्थाएं अनुकूलता वहां पर देखी, वर्धमान का मन ही हरम जाए। आदमी अपनी ही तराजू से दूसरे को तोलता है। अब जिसने सारे महल की सुविधाएं छोड़ दी, वो तुम उसको सुविधा में कहां अटका पाओगे? लेकिन उस आश्रम के कुलपति का सोच कि मैं ऐसी सुविधा दू कि वर्धमान का यहां से विहार करने का मन ही नहीं। सारे आश्रम के अपने शिष्यों को के रखा था, जो भी तुम्हें बढ़िया से बढ़िया फल मिले पहले वर्धमान के कुटिया में पहुंचाना है, गाय का दूध ताजा ताजा ले जा करके रखना है, वर्धमान को किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता का एहसास हो ही नहीं। और वर्धमान वहां पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने 15 दिन का प्रतिज्ञा ले ली। कितने दिन की? 15 दिन खड़े हो गए, 15 मिनट हो जाओ, 15 दिन खड़े हो गए। अब 15 दिन खड़े की खड़े ही रहना है, ना हिलना है, ना ढूंढना है, ना चलना है, ना बैठना है, ना लेटना है, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ नहीं। अब आश्रम से देखते हैं, दूध ले जाके रखा, फल ले जा करके रखे, पानी ले जा करके रखा। शाम को देखा तो वो तो वैसा कि वैसा खड़ा है। जाकर के कुलपति को कहा, हमने ले जा करके रखा लेकिन वर्धमान ने तो कुछ लिया नहीं। बोले उसके तपस्या होगी, कल ले लेगा, सेकंड डे रखा है वैसा कि वैसा। तीसरे दिन फिर आश्रम में तो हड़कंप मच गया। बोले कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा रह सकता है? हम इतने दिनों से आश्रम में साधना कर रहे, आज 3 दिन हो गए, बोले ये व्यक्ति ना उठता है, ना बैठता है, ना चलता है, ना कुछ करता है, ना खाता है, ये क्या कर रहा है? कुलपति को जाकर के कहा कि वो तो खड़े की खड़े ही है। कुलपति ने आकर के देखा है, कहीं पांव पर सुजन तो नहीं आई, देखा लेकिन पांव पर कोई सुलिंग का नाम ही नहीं। अपन खड़े रह भी जाए, खड़े अपन रह भी जाए जबरदस्ती, लेकिन अपना हार्ट कितना मजबूत है अपने को पता है। दिन पर दिन बीतते गए और आश्रम के सारे सन्यासी अब कुलपति को छोड़कर के वर्धमान के पास बैठने लगे। अब अपना कस्टमर दूसरे के दुकान पर जाए तो क्या होता है आपको पता है ना? और यहां तो अपने ही शिष्य और उसे के घर में रहते हुए दूसरे के तरफ जाने लगे तो उसको तो परेशानी हुआ ना। अटनारा श्रावक उठने गया, उठनारा श्रावक अटने आया, तो श्रावक ने परेशान नहीं हुए, मने नहीं हुए, मारा का नंबर देखो, मुझे परेशानी होती नहीं क्योंकि मैंने किसी को पकड़ कर रखा ही नहीं, लेकिन होती है। उस आचार्य को परेशानी हो गई। अब वो वेट करता है कि कब इसका ये ध्यान खुले और मैं इससे बात करूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, उसको लगा कहीं रात को बैठता होगा, तो उसने कहीं अपने चेलों की ड्यूटी लगाई। बोले रात पारी लगा के देखो, बोले ये रात को क्या करता है। अब जिनकी ड्यूटी लगाई वो तो पक्के हो गए, जिसको जासूस बना करके भेजा वही चेला बन गया।
और दूसरे दिन वो आकर के कहे कि गुरुदेव पता नहीं क्या योग है, ऐसा योग तो आपने हमको सिखाया नहीं। बोले अब गुरु बोले क्या, ना खाए ना पिए ना सोए ना बोले 15 दिन हो गए। कितने दिन? 15 दिन और 15 रात। और 15 दिन और 15 रात पूरी होने के बाद अमावस्या के शाम के समय में परमात्मा ने अपना ध्यान पूरा किया और थोड़ा सा चलने लगे तो कुलपति के पास मैसेज गए, आए हो? बोले कैसे है वरदान? बोले ओके आनंद में हो। बोले तूने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, इतना सारा ला करके रखा, तुझे खाना नहीं था तो मना कर देता ना, तुझे खाना नहीं था तो जब रखा तब कह देता मुझे खाना नहीं। अब उस बंदे को पता ही नहीं रखा कि नहीं रखा, मना करे तो क्या करे, सारा वेस्टेज गया। बोले बोले जब आश्रम में रहते हैं तो आश्रम का प्रोटोकॉल फॉलो करना रहता है, तुमको 4 महीने यहां रहना है, थोड़े आश्रम के रूल्स और रेगुलेशन समझ लो। बोले अब बोलता गया वो कुलपति और महावीर सुनते गए और सुनते सुनते तय कर लिया चल पड़ो। अब पहले चौमासे में जहां चौमासा शुरू किया और अमावस्या के दिन विहार कर दिया, और विहार करने के पहले मन में 5 धारणाएं करी कि मैं यहां से आगे किसी गृहस्थी का आदर नहीं करूंगा, अभिवादन नहीं करूंगा, कि द्विजंत का अभिवादन किया था, मैं यहां से आगे मेरे हाथ में ही आहार लूंगा, गृहस्थी के पात्र में आहार नहीं लूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा ली कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगा कि जिसके कारण से किसी के मन में डिसलाइक की इमोशन नहीं जन्मे, अप्रीति का भाव नहीं जन्मे, मैं जहां रहूं वहां प्रीति का कारण बनूं अप्रीति का कारण नहीं बनूं। आप कौन सी प्रतिज्ञा कर सकते जरा सोच लेना, ये तो प्रतिज्ञा आप कर ही सकते हो ना कि मैं किसी के अप्रीति का कारण है, जहां जाने के कारण से मेरे जाने के कारण से प्रेम होता होगा मैं रहूंगा, मेरे कारण से प्रेम नहीं होता होगा तो मैं निकल जाऊंगा। चौथी प्रतिज्ञा लेके अब मैं अधिकतम मौन में रहूंगा, बोलूंगा कम से कम। पांचवी प्रतिज्ञा ली कि मैं कंटिन्यू अब अपनी ध्यान साधना में काल स्वर्ग में रहूंगा और वहां से चले उस गंडकी नदी के किनारे 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 चलते 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 आस्तिक ग्राम में पहुंचे शिल्पानी यक्ष के मंदिर में। शाम का समय और शिल्पानी यक्ष के उस मंदिर में बहुत बड़ी कहानी हो, बहुत लंबी कहानी, जिन्होंने महावीर कथा सुनी होगी उनको कहानी पता भी होगी कि शिल्पानी यक्ष के एक अंतर का मंदिर था ना, वो उस गांव को उसने बेचिराग कर दिया था और उसने शर्त लगाई थी कि आप मेरे मंदिर जो मंदिर बना था वो गांव वालों के हड्डियों से बना हुआ था, उसकी प्रतिमा भी हड्डी से बनी हुई थी और कहा था कि यहां रात में किसी ने रुकना नहीं, तो रात को किसी को रुकने नहीं देते थे। और वर्धमान पहुंचे वहां पर और पुजारी कहता है कि बाबा यहां रात को रुकना नहीं, और बाबा कहता है मैंने यही रुकना है। गांव वाले इकट्ठा हो गए सारे, बोले जो जो घर तुमको पसंद आए उस घर में रुको, बोले यहां मत रुको, यहां रुकोगे तो हमारी और मुसीबत हो जाएगी,
आप सवाल एक ही है केवल, प्रतिज्ञा क्या के लेकर चले थे? जहां मेरे कारण से अप्रीति होगी वहां मैं रुकूंगा, जहां प्रीति होगी वहां। अब वहां प्रीति हो रही कि अप्रीति हो रही है? गांव वाले क्या कह रहे? रुको मत। और महावीर क्या कह रहे? यही रुकूंगा। क्यों रुके? ये सारी कहानी के लिए कहानी नहीं कही मैंने आपको। भूईपन में कल्याण की प्रज्ञा है, मेरे यहां रुकने में कल्याण होने वाला है। शूल पानी का भी कल्याण होगा और गांव वालों का भी कल्याण होगा। ये लक्ष्य जब सामने होता है, कल्याण का लक्ष्य, कल्याणकामी, कल्याण के लिए समर्पित, और इसलिए महावीर वहां रुक गए। और रुके तो रात में शिल्पानी यक्ष में भरपूर उपद्रव दिया, लेकिन आखिर में जाकर के शिल्पानी यक्ष भक्त बन गए। गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए भय समाप्त हो गया। किसको कहते भूईपन ने? इसलिए मैंने आपको कहा कि केवल एक दो अक्षर का शब्द साथ में लेकर के जाना है। भूति, मेरी प्रज्ञा भूति प्रज्ञा है क्या? है कल्याण की है क्या? समृद्धि की है क्या? सुरक्षा की है क्या? से भूईपन्ने अनिये आचारी, इसलिए अनियत आचरण था, कोई नियत नहीं था। कितना अनियत था आप देखिए, चौमासा वहां शुरू किया और पूरा नहीं किया, और जाकर खड़े रहे तो वहां खड़े रहे कि जहां की परमिशन लेने के लोग तैयार नहीं थे, बड़े मजबूरी में परमिशन दी। इसलिए परमात्मा का पहला चौमासा दो जगह, द्विजंत के वहां 15 दिन और 3.5 महीने शिल्पानी यक्ष के मंदिर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।